Hello kids, today we will learn how to write small cursive letter R and small cursive letter S. What we will learn today? Today we will learn how to write small cursive letter R and small cursive letter S. As usual, हमेशा की तरह मैम एक cat draw कर रहे हैं यहाँ पे. Head of a cat, body of a cat and a tail of a cat. ओके तो हम स्मॉल कर्सिव आर एंड स्मॉल कर्सिव एस कहाँ पे बनाएंगे? इन द बॉडी पार्ट ऑफ अ कैट. कहाँ पे? जो बॉडी पार्ट है कैट का, ये टू ब्लू लाइंस के बीच में, यहां पर हम स्मॉल कर्सिव आर बनाएंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं हम. स्टार्ट कहाँ से करेंगे? फ्रॉम ब्लू लाइन, फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड दिस वन इज फोर्थ लाइन. फ्रॉम थर्ड ब्लू लाइन वी विल स्टार्ट इट. फ्रॉम थर्ड ब्लू लाइन इन द बॉडी पार्ट वी विल राइट स्मॉल कर्सिव आर. ओके टेक अ कर्व. ओके टच द सेकेंड लाइन, टेक अ लूप एंड टेक अ कर्व अगेन. दैट इज स्मॉल कर्सिव आर. अगेन आई एम डूइंग, टेक अ कर्व, टेक अ लूप and that is small cursive R. Okay? Where I am writing it? I am writing in the body part of a cat. कहाँ लिख रही हूँ मैं इसे small cursive R को? Body part में, cat के body part में only हम यहाँ पे R को लिखेंगे. Okay? That is small cursive R. Now small cursive S. Small cursive S के लिए भी हम cat draw करेंगे. और S भी हम कहाँ लिखेंगे? बॉडी पार्ट में ओनली. ओके सेम एज यूजुअल हम बॉडी पार्ट में S लिखेंगे इसको. दैट इज अ कैट एंड फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन एंड फोर्थ लाइन बॉडी पार्ट में लिखेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ब्लू लाइन. ओके स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड ब्लू लाइन टेक अ स्लांटिंग, टेक अ कर्व स्लाइट, बहुत छोटा सा. टच द थर्ड लाइन, अगेन टेक अ कर्व, गो स्लाइटली अप, सेम लाइन पे अप एंड टच द सेकेंड ब्लू लाइन. ओके अगेन देखेंगे स्लांटिंग लाइन बनाएंगे, छोटा सा एक सर्कल बना के एक कर्व लेंगे और इसको ऊपर टच यहां तक नहीं करेंगे, यहां तक ही लाएंगे ओनली और आगे ले जाके वापस इसको ऊपर टच कर देंगे. दैट इज स्मॉल कर्सिव एस. लाइक दिस यू हैव टू राइट स्मॉल कर्सिव एस. एंड वेयर आई एम राइटिंग इट? इन द बॉडी पार्ट ऑफ अ कैट. ना हेड पार्ट में जाएंगे हम, ना टेल पार्ट में आएंगे, ओनली बॉडी पार्ट में वी विल राइट स्मॉल कर्सिव आर एंड एस. लाइक दिस. ओके किड्स, थैंक यू.